राजस्थान में नहीं थमी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 164 कोरोना मरीजों की मौत, 16,384 नए पॉजिटिव केस, 12,840 हुए कोरोना से रिकवर। 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी से दिए 9 सुझाव, देश भर में मुफ्त टीकाकरण की मांग। नाथद्वारा के अनंता अस्पताल पर गंभीर आरोप, कोरोना मरीज की किडनी निकालने का आरोप, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। कोरोना महामारी से कोहराम, महाराष्ट्र में फिर बड़े केस, दिल्ली में थोड़ी राहत तो यूपी में रिकॉर्ड 329 लोगों की गई जान। कोरोना वैक्सीनेशन पर यूपी सरकार ने वापस लिया विवादित फैसला, आधार और स्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म। दिल्ली में कोवैक्सीन की सप्लाई न होने के बाद कई सेंटर्स पर ताला लगा दिया गया है, दिल्ली सरकार के मुताबिक करीब 100 सेंटर्स पर अब टीका नहीं लग पाएगा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है, हालात इतने खराब है कि अब जंग के आसार दिखने लगे हैं, दोनों तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। मोदी कैबिनेट का बैटरी स्टोरेज को लेकर बड़ा फैसला, बैटरी स्टोरेज उत्पादन को बढ़ावा देने वाले 18,100 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को आज मंजूरी दे दी। दिल्ली सरकार के केंद्र पर वैक्सीन की सप्लाई पर लगाए गए आरोपों के बाद अब बीजेपी ने सफाई दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली सरकार जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,62,406 नए मरीजों की पहचान हुई, 3,51,000 से ज्यादा रिकवर हुए तो 4,126 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण पर आज फिर सीएमआर में कैबिनेट की बैठक, वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर को लेकर होगा निर्णय, कोरोना की रोकथाम के प्रयासों पर भी होगा मंथन। जम्मू कश्मीर प्रशासन की बड़ी पहल, कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को मिलेगी पेंशन और स्कॉलरशिप। ये पेंशन और स्कॉलरशिप उन मामलों में दी जाएगी जहां कोरोना से ऐसे परिवारों का कमाने वाला इकलौता शख्स इस महामारी की भेंट चढ़ गया हो। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार की टीकाकरण नीति पर उठाया सवाल, कहा वास्तव में कोई नीति ही नहीं है, ये अत्यंत अन्यायी है। जयपुर में आज फिर प्रभावित होगा वैक्सीनेशन, जरूरत के हिसाब से खत्म हुई कोरोना वैक्सीन, महज 1 से 2 वैक्सीन सेंटर पर ही संभव हो सकेगा टीकाकरण। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बीजेपी के मंत्री ने बयान दिया है, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि यज्ञ करने से कोरोना की तीसरी लहर हिंदुस्तान को नहीं छू पाएगी। प्रदेश भर में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए गाइडलाइन जारी, कोरोना संदिग्धों की पहचान के लिए होगा टेस्ट, प्रमुख चिकित्सा सचिव अखिल अरोड़ा ने सभी जिला कलेक्टरों को दिए निर्देश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, ममता ने पीएम मोदी से विदेश की वैक्सीन निर्माताओं से कोरोना का टीका जल्द से जल्द आयात करने का अनुरोध किया है। कोरोना पर राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जुड़े। उत्तराखंड के देवप्रयाग में बादल फटने से शांता नदी में आए तूफान से नगर के शांति बाजार में तबाही आ गई। अमेरिका में अब 12 साल से 15 साल के बच्चों को भी कोविड वैक्सीन लग सकेगी, 13 मई से हो सकती है जिसकी शुरुआत। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राज्यों से कहा कि वे अपने यहां युवा किशोरों को जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराएं। झालावाड़ के असनावर में एक रेस्टोरेंट को कॉटेज में बदल दिया गया। राजस्थान में भेजे गए सैंपलों में यूके स्ट्रेन की पुष्टि, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दी जानकारी। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सरकार पर तंज कसा, कहा त्रासदी के समय में पॉजिटिविटी के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाना गलत। सिरोही के पिंडवाड़ा में रफ्तार का कहर, दीवार पर लगे लोहे की रेलिंग से टकराई गाड़ी।
नहीं नजर आया चांद, आज 30वां रोजा, अब कल मनाई जाएगी ईद।